contact indirect with tensage. टेंसेज के साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चेंजेस देखेंगे. जैसे कि पहला है एग्जांपल, आई सेड टू राम यू गिव मी ए पेन. बाहर पास्ट है तो अंदर के जो वर्ब हैं वो चेंज होंगे, यानी कि टेंसेज चेंज होंगे. और फर्स्ट सिंपल सेंटेंस है अंदर, तो दैट लगेगा कंजक्शन में. आई टोल्ड राम दैट, और जो यू है वो बाहर के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया, तो उसकी जगह पे ही. और अंदर का वर्ब चेंज हो गया गिव का गेव. मी जो था अंदर वो मी ही रहा, क्योंकि बाहर मी है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और सब्जेक्ट भी आई है, तो आई माई मी, तो वहाँ पे मी ही रहेगा. मी ए पेन. क्या हुआ, आई टोल्ड राम दैट ही गेव मी ए पेन. सेकेंड है आई सेड टू राम यू डू नॉट गिव मी ए पेन. ये कैसे बनेगा इनडायरेक्ट में, आई टोल्ड राम दैट ही, प्रोनाउन चेंज हो गया. अब डू नॉट का हमने वर्ब चेंज किया डिड नॉट गिव मी ए पेन. थर्ड नंबर देखिए, आई सेड टू राम इंट्रोगेटिव है अंदर, पर्सन है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है. डू यू नॉट गिव मी ए पेन, जब इंट्रोगेटिव से शुरू होता है तो सेड टू को हम चेंज कर देते हैं आस्क्ड में, तो आई आस्क्ड राम, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने पर कंजक्शन के रूप में इफ़ लगाएंगे, इफ़, और बाद में सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बनेगा. यू का प्रोनाउन हो गया यहाँ पे ही. डू नॉट था वर्ब के रूप में वहाँ पे डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में हमने क्या किया, ही डिड नॉट गिव मी ए पेन. फोर्थ नंबर देखिए, आई सेड टू राम डू यू गिव मी ए पेन. ये भी इंट्रोगेटिव है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसमें नॉट नहीं है, तो इंट्रोगेटिव के लिए बाहर आस्क्ड कर दिया सेट टू के स्थान पे. आई आस्क्ड राम कंजक्शन के रूप में इफ़, यू के अनुसार अब सिंपल सेंटेंस बना रहा है, बनाना है हमें ही गेव मी ए पेन. ये गेव कैसे आया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो हमारा टेंस के चेंजेज के अनुसार क्या कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करना है, तो ही गेव मी ए पेन. फिफ्थ नंबर, आई सेड टू राम, वैन इंट्रोगेटिव है अंदर भी, जो कि एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहे हैं, डब्ल्यू एच वर्ड से, है ना, तो बाहर सेड टू के स्थान पे आस्क्ड किया है. आई आस्क्ड राम, एक कंजक्शन के रूप में वो क्वेश्चन वर्ड ही लगेगा जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है. क्वेश्चन वर्ड है वैन है, तो वैन ही लगाया, बाकी का सेंटेंस सिंपल बन जाएगा. यू के अनुसार चेंज, जो यू है वो ही में चेंज हो गया, कि यू बाहर के जो प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट वाला राम, उसके अनुसार चेंज हुआ है, तो ही नेगेटिव है साथ में ये इंट्रोगेटिव, तो डिड नॉट गिव मी ए पेन, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में पास्ट इंडेफिनेट बनता है, तो नेगेटिव बनाना है, तो ही डिड नॉट गिव मी ए पेन. सिक्स नंबर, आई सेड टू राम, इंट्रोगेटिव है अंदर और क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है. सेट टू के स्थान पे क्या किया हमने, आस्क्ड. कंजक्शन के रूप में दोनों सेंटेंस को मिलाने के लिए वैन ही आएगा, जब डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है, तो वैन ही गेव मी ए पेन. ये भी पास्ट इंडेफिनेट में हमने चेंज कर दिया. सिंपल सेंटेंस बनाना है, नोट तो है नहीं, इसलिए साधारण तो ऐसे ही बनेगा, ही गेव मी ए पेन, यानी कि फर्स्ट फॉर्म का सेकेंड फॉर्म, और डू हट जाता है. सेवन नंबर, आई सेड टू राम प्लीज़ गिव मी ए पेन. ये इम्परेटिव सेंटेंस हम बना के देख रहे हैं, प्लीज़ आता है, काइंडली आता है, तो रिक्वेस्टेड लगा देते हैं बाहर, तो आई रिक्वेस्टेड राम, और कंजक्शन के रूप में क्या लगाएंगे, टू. प्लीज वर्ड हट जाएगा और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू गिव मी ए पेन. एट नंबर.